हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना। दोस्तों, कई बार आपने ट्रेड लिया, आपको खुद को नहीं मालूम कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। आपने कॉल लिया और रेजिस्टेंस के पास आपने क्या किया, प्रॉफिट बुक करने की जगह होल्ड कर लिया और वहां से मार्केट रिवर्स लेके नीचे आ गया। जो प्रॉफिट आपको दिख रहा था, अब वो प्रॉफिट आपका आंखों के सामने से जा रहा है और धीरे धीरे करके आपने और होल्ड कर लिया। उसके बाद वो सारा माइनस में चले गया, या फिर आपने रेजिस्टेंस पे बाय कर लिया, आपको लगा मार्केट और ऊपर जाएगा और मार्केट वहां से गिर गया तो वहां पे आपको लॉस हो जाएगा। और कई बार सपोर्ट पे आप पुट बाय कर लेते हैं, मार्केट वहां से रिवर्सल लेके ऊपर चले जाता है, तब भी आपको परेशानी हो जाती है, तब भी आपका ट्रेड नेगेटिव में चले जाता है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बारे में पता होना चाहिए। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें सपोर्ट कैसे निकालना है। देखो, बिना सपोर्ट और बिना रेजिस्टेंस के आपको ट्रेड ही नहीं करना है। जब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही नहीं पता है तो फिर आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं भाई? आपको यही नहीं मालूम कि एंट्री कहाँ पे लेनी है। एंट्री लेने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो इंट्राडे में दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जैसे मार्केट, देखो मार्केट आज मार्केट क्लोज हो गया, यहाँ पे मार्केट 16,956 पे क्लोज हुआ है। अब हमें कल के लिए, जो कल हमें ट्रेड करना है, उसके लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए ना। लेकिन हम इंट्राडे के लिए निकालेंगे तो इंट्राडे में हमारे पास लेवल्स होने चाहिए कि हम किन लेवल्स पे बाई करेंगे और किन लेवल्स पे सेल करेंगे, यानी कि किस पे हम कॉल बाई करेंगे और किस पे हम पुट बाई करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम में जाना है अपने चार्ट के, और उसमें आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में हम चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान से देखना, ये वाली कैंडल को देखो, ये आज की कैंडल है, यानी कि आज की 28 मार्च की कैंडल है। अब अगर मैं कल आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालता तो कैसे निकालता? तो देखो, ये जो पिछली वाली कैंडल है ये 27 तारीख की है, तो हमें जो लास्ट डे की जो कैंडल होती है ना उसको देख के अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है नेक्स्ट डे के लिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। अब इस कैंडल का हाई जो है ना उसको मार्क कर देंगे यहाँ पे, इसको हम कर देंगे क्या, इसको हम कर देंगे रेड। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, यानी मार्केट यहाँ से वापस नीचे गिर सकता है। इसके बाद दूसरी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इस वाली कैंडल का क्या है, यहाँ पे ये लो है, देखो ये लो है। तो ये पिछली जो ये वाली कैंडल है ना, इसका भी सेम ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, इसका भी सेम ही है, और आज जो ये कैंडल बनी ना इसका भी लगभग सेम ही है, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पे देखिए आप गौर से, तो इसको हम कर देते हैं रेजिस्टेंस को कर देते हैं हम, सॉरी ये हमारा जो सपोर्ट है इसको कर देते हैं ग्रीन। तो यानी ग्रीन इसलिए किया है कि ग्रीन यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, और रेड इसलिए किया है कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। तो सेम वही हुआ मार्केट में, देखो परसों के दिन भी यही हुआ था, 24 तारीख को मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जाता है मार्केट, आप लोगों को जानबूझ के बुलाता है मार्केट कि मैं रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा हूँ, आप फटाफट से आ जाइए। तो देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे आपको ऑपरेटर कैंडल होती है फंसाती है, फेक ब्रेकआउट दिखा के। रीटेस्ट हुआ ही नहीं एक बार भी, रीटेस्ट होगा तभी तो हम एंट्री बनाएंगे कि ब्रेकआउट हुआ है। बिना रीटेस्ट के कभी भी ब्रेकआउट पे एंट्री मत लेना जब तक मार्केट का रीटेस्ट ना हो जाए एक बार। तो देखो यहाँ पे लोगों को फंसाया होगा और वापस मार्केट धड़ाम से नीचे, क्योंकि मार्केट सुबह ऊपर गया फिर दिन में वापस नीचे आ गया। सेम कल भी ऐसा ही हुआ, 27 तारीख को मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आया, लो बनाया, तो यहाँ सपोर्ट से बाइंग आई, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, देखो यहाँ पे ओपन हुआ कहीं पे, और यहाँ तक गया, और रेजिस्टेंस से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिला और फिर वापस नीचे आया बॉटम तक। फिर उसके बाद में दिन में इसने इवनिंग में रिकवर किया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी ऊपर क्लोजिंग दे दी, वरना ये नीचे तक आ गया था। और सेम तो आज भी यही हुआ, आज भी मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस के पास लगभग गया, देखो यहाँ तक गया, ये देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने ये हाई मारा है 17,061 का। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में ही जाएगा, नहीं, उससे थोड़ा 19-20 20-30 पॉइंट डिफरेंस कर सकता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया, तो फिर यहाँ पे 3 बजे के बाद मार्केट ने फिर से रिकवर किया और ये पॉइंट कवर किए। तो आपको 1 डे जो पिछले, आप देखो कल के लिए कैसे निकालेंगे, अब कल के लिए आप यहाँ पे जो ये वाला रेजिस्टेंस है ना आपका, अब आप क्या करेंगे, अब इसको बना देंगे, यहाँ पे इसको बना देंगे रेजिस्टेंस। अब जब हम कल ट्रेड करेंगे, यानी कि आज 28 है, 29 को जब हम ट्रेड करेंगे, और सपोर्ट हमारा यही रहेगा क्योंकि सपोर्ट हमारा सेम यही बना हुआ है, रेजिस्टेंस में थोड़ा यहाँ पे 19-20 हो रखा है, 20-30 पॉइंट का,
और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। देखो ये ट्रेंड लाइन है ना, ये देखिए इसको ड्रॉ कर देंगे, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखो दोस्तों, अब जब आप ऐसे लेवल बनाना सीख जाएंगे ना, तो फिर आप यहाँ पे हमेशा ट्रेड करके बड़ा बढ़िया प्रॉफिट बनाएंगे। देखो यहाँ पे, चलिए हम यहाँ तक ही रहने देते हैं इसको, 3 दिन का बहुत है, हमें ज़्यादा दिन का नहीं लेना। ये देखो मार्केट यहाँ पे गया, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, फिर दोबारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, सपोर्ट यहाँ से लिया ऊपर चले गया, सपोर्ट यहाँ से लिया ऊपर चले गया, सपोर्ट यहाँ से लिया ऊपर चले गया। बस इतना सा ड्रॉ कर लेना है आपको, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इन लाइनों को छेड़ना नहीं है आपको, आपको 5 मिनट में ओपन कर लेना है, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं उसमें ओपन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे समझना, ध्यान से समझोगे तो आपको ट्रेड भी मिलेगा और आप समझोगे भी। देखो मार्केट आज ओपन हुआ, हमारा सपोर्ट कहाँ पे है ये रहा, और रेजिस्टेंस कहाँ पे है ये रहा। देखो मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था 9:15 पे, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे गया एक कैंडल बनाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास गई, वापस नीचे आई, आ गया मार्केट नीचे, फिर यहाँ पे सपोर्ट तक नहीं आया, थोड़ा सा और ऊपर गया, लोगों को ट्रैप किया कि मैं ऊपर जाऊँगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो यहाँ सपोर्ट। अब जब सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे से आ गई बाइंग, क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपकी एंट्री बननी थी, और यहाँ पे आपको एंट्री बनाने के बाद फिर आपको अपने टारगेट लेने, लेकिन मार्केट में टाइम नहीं था। सपोर्ट पे मार्केट कब आया, 2 बजे के बाद। अब 1-1.5 घंटे में मार्केट कितना कवर करेगा यहाँ पे, 1-1.5 घंटे में मार्केट कितना कवर करेगा। तो सपोर्ट के आसपास आपको बाइंग करनी है, और रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आपको देखेगा तब आपको पुट बाई करना है। देखो यहाँ से जिसने भी पुट बाई किया होगा उसका प्रॉफिट देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वन वे मूव मिला, कितना बड़ा मूव मिला यहाँ पे, एक ही बार में प्रॉफिट। यानी कि सुबह यहाँ पे उसने 9:20 पे बाई किया, और लगभग 11 बजे तक यहाँ पे वो एग्जिट भी हो गया होगा। सेम मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी देखिए मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, सपोर्ट के पास। देखो सपोर्ट के पास ओपन मार्केट ओपन हुआ था 27 तारीख को, सपोर्ट के पास मार्केट ओपन हुआ था, सपोर्ट के पास मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से बाइंग आई, मार्केट गया ऊपर, देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे लोगों को लगा ब्रेकआउट हो गया है किसका, रेजिस्टेंस का, लेकिन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है ना, देखो उससे सपोर्ट लेके, उससे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिर गया। तो आपको इसका भी नहीं, ट्रेंड लाइन को भी एक ड्रॉ करना होता, जो मैंने आपको अभी ट्रेंड लाइन ब्लू वाली ड्रॉ की थी ना, ये वाली देखो, सेम यहीं से रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया और डाउन की तरफ नीचे गिर गया, गिरा यहाँ पे, नीचे आई सेलिंग आई, यहाँ तक आ गई। तो देखो ऐसे ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाना है, जो पिछले दिन की कैंडल है उसका हाई लो मार्क कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो। तो इस तरीके से आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे हम आपको और भी कुछ अच्छी अच्छी एनालिसिस और वहाँ पे कुछ लेवल्स आपको देते रहते हैं ट्रेड के लिए।